नमस्कार, आप देख रहे हैं आईवी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। जनपद हरदोई के संडिला तहसील प्रांगण में भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक संगठन के द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर जिला अध्यक्ष वीर प्रकाश सिंह उर्फ वीरू व जिला प्रभारी हरदोई अतुल कुमार के नेतृत्व में जिला उपाध्यक्ष ठाकुर राजेश सिंह की अध्यक्षता में किसानों की मांगों को लेकर निस्तारण न कराए जाने के विकारों लोकतांत्रिक संगठन के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना 15 अक्टूबर 2018 सुबह 10 बजे से प्रारंभ किया गया, जिसमें किसान की समस्त समस्याओं का उचित गुणवत्ता परक निस्तारण शासन प्रशासन द्वारा कराए जाने की मांग की। साथ ही शासन प्रशासन को चेताया कि यदि समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो संगठन धरने को किसान महापंचायत करने के लिए बाध्य हो जाएगा। ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनको लेकर आप तहसील प्रांगण में आज धरना दे रहे हैं, और क्या कुछ रहा है, क्या किसानों ने किस तरीके की समस्याओं को आपके समक्ष रखा हुआ है, विधिवत उनके बारे में बताएं जरा। आज जो हमारा भारतीय किसान लोकतांत्रिक संगठन का धरना प्रदर्शन यहाँ पर लगाया गया है, इसमें किसानों की बहुत बड़ी समस्याएं नहीं, छोटी छोटी समस्याएं जो हैं वो बड़ी समस्याओं का रूप धारण कर रही हैं। कुछ किसान हमारे पास ऐसे हैं कि जिनसे ज़मीन का वरासत कराने के नाम पर 500-500 रुपये की अवैध वसूली की गई है, बिजली की समस्याएँ हैं, सड़क संबंधित समस्याएँ हैं, और सबसे बड़ी समस्या एक और है, हमारे किसान भाइयों के हर महीने राशन कार्डों में यूनिट काटे जा रहे हैं। किसान बार बार आधार कार्ड देते हुए परेशान हो चुका है और फिर भी उसकी समस्या का निदान नहीं किया जा रहा है। किसान परेशान है, किसान मारा मारा घूम रहा है, जहाँ भी जाता है किसान उससे उगाही का काम किया जाता है, अधिकारी जितने भी हैं वो सब बेनकेल हो गए हैं, और वो किसानों से केवल वसूली काम कर रहे हैं बल्कि काम कोई नहीं करना चाहता है। क्या संडिले में प्रशासनिक अधिकारी जो शासन प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी, क्या उनके द्वारा भी संतुष्टि नहीं प्राप्त हो रही है, किसी तरीके कोई काम नहीं हो रहा है? नहीं, उनके द्वारा संतुष्टि अगर होती तो हमें ये धरना लगाने की जरूरत नहीं थी। जैसे अभी कुछ दिन पहले संडिला में एक अवैध खनन किया जा रहा था, उसमें हमारे जिला उपाध्यक्ष द्वारा संबंधित अधिकारी उपजिलाधिकारी महोदय को सूचित किया गया, रात में खनन कराया जा रहा था JCB लगा करके, और हमारे उपजिला अध्यक्ष राजेश सिंह के द्वारा सूचित किया गया, कोतवाल को भी सूचना दी गई, कोतवाल ने उनसे अभद्रतापूर्ण बातें की और उसके बाद में अवैध खनन पैसा लेकर के कराते रहे। बहुत बड़ी समस्याएं हैं, कोई भी अधिकारी कुछ सुनना ही नहीं चाहता है। क्या किसी तरीके के आवास की भी शिकायतें हैं, आवास शौचालय और सड़क? मेरे पास ऐसे तमाम सी